नूरी अम्मी फूड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, मेरी वीडियो पाइए सबसे पहले फ्री में। अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू नूरी अम्मी फूड। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कैरमेल ब्रेड पुडिंग की रेसिपी, और ये पुडिंग आज मैं आप सबके लिए बनाऊंगी विदाउट अवन और बिना किसी मेहनत के। तो फ्रेंड्स, इसका लुक और इसका टेक्सचर तो आप देख ही रहे हैं, और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये पुडिंग इतनी टेस्टी होती है कि आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो बार बार इस पुडिंग को बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी तरह परफेक्ट पुडिंग बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए। पर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत शुक्रिया। सो फ्रेंड्स, कैरमल ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 ब्रेड के स्लाइसेस, और इसके किनारे हम निकाल देंगे। फ्रेंड्स, मैंने छोटी पुडिंग बनाई है, अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से स्लाइसेस लीजिए। तो मैंने ये किनारे निकाल कर इसके पीसेस कर लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे 2 कप मिल्क, जो कि 500 ml के करीब है। अब मिल्क को हम पहले अच्छी तरह से बॉईल हो जाने देंगे। सो फ्रेंड्स, मिल्क अच्छे से बॉईल हो गया है। अब मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लिया है और इसमें डाला है 1 tablespoon कस्टर्ड पाउडर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और ये मिक्सचर इसी दूध में ऐड कर देंगे। इससे पुडिंग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, और ये डालने की वजह से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 cup शुगर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब फ्रेंड्स, हमें कुछ नहीं करना है, इस दूध को हमें कंटिन्यूसली चला चला कर पका लेना है। फिर आगे का प्रोसेस ये दूध पकने के बाद हम करेंगे। पुडिंग के अच्छे फ्लेवर के लिए हम गैस की फ्लेम को मीडियम पे रख के दूध को इतना पका लेंगे कि इसकी क्वांटिटी आधी हो जाए। ऐसा करने से पुडिंग का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बहुत क्रीमी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, देखिए इस दूध की क्वांटिटी आधी हो गई है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो गई है थोड़ी सी, और इसका कलर भी हल्का सा येलोइश हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे गैस से उतार लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम किसी बाउल में ये ब्रेड के पीसेस डालेंगे, और इसमें ये जो दूध है ये भी ऐड कर देंगे। अब हम एक स्पून की मदद से इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये ब्रेड के पीसेस में दूध अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मिक्स करने के बाद हम इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे पहले। तो फ्रेंड्स, जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी कैरमेल बना लेते हैं। तो उसके लिए हम एक नॉनस्टिक कढ़ाई में 1/4 cup शुगर डालेंगे, और इसे एक स्पैचुला की मदद से अच्छे से फैला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 tablespoon वाटर, इस शक्कर के ऊपर हमें अच्छे से डाल देना है, और गैस के फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। इस बात का यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना है, गैस की फ्लेम को फास्ट नहीं करना है ना ही स्लो करना है, मीडियम फ्लेम पर ही हम शुगर को कैरमलाइज करेंगे। इसे बनाने में 5 से 7 मिनट लगते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका कलर हल्का सा येल्लो हो गया है। बस इसी स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और ये हमारी कैरमेल रेडी है। अब हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हमें पुडिंग तैयार करनी है, तो उस बर्तन में इस कैरमेल को हम डाल देंगे। आपको गैस से उतार कर तुरंत इस बर्तन में ट्रांसफ़र करना है, वरना ये जम जाएगी, और आपको ये जो बबल्स दिख रहे हैं ये थोड़ी देर में गायब हो जाएंगे अपने आप। अब इस कैरमेल से इस बर्तन की नीचे की सतह को अच्छी तरह से हमें कोट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये ब्रेड और मिल्क का बैटर ठंडा हो गया है। अब एक जूसर मिक्सर जार में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे पीस लेंगे। अब एक छोटे बाउल में हम एक अंडा तोड़ के डालेंगे, और इसे बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, जब तक ये अंडे के लम्स सारे निकल ना जाएं, इस तरह से।
अब फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने वही पहले वाला बाउल लिया है। अब इसमें हम अपना फेटा हुआ अंडा डालेंगे और इसमें जो हमने ब्रेड और मिल्क का बैटर पीस के रखा था वो भी इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दूसरे में। हमें इसे ओवर मिक्स नहीं करना है, बस ये दोनों चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस आपको इसे इतना नहीं फेंटना है कि इसमें झाग बन जाए, बस इसी तरह से आपको रखना है। अब हम इस मिक्सचर को इस कैरमेल वाले बर्तन में डाल देंगे। तो ये सारा मैंने डाल दिया है। अब इसे हम एक बार इस तरह से टैप टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। अब फ्रेंड्स, इसे कवर करने के लिए मैंने एक थैली के साइड को कट कर लिया है और इसे हम एक रबर बैंड की मदद से इस तरह से पैक कर देंगे। अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो आप उससे कवर कर दीजिए, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये अच्छे से पैक हो गया है। सो फ्रेंड्स, इसे हम बिना ओवन के बना रहे हैं, इसलिए हम इसे अब स्टीम करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाला है और इसमें एक स्टैंड रख दिया है और पानी को थोड़ा सा गर्म कर लिया है। फिर इसमें इस बर्तन को रख देंगे और इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे 35 से 40 मिनट तक स्टीम करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 40 मिनट हो चुके हैं पूरे। अब इसे मैं खोल कर देखती हूँ। मैंने एक बार इसे बीच में और खोल कर देखा था इसकी रबर को हटा के। आप भी 30 मिनट के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा। अब हम इसे उतार देते हैं गैस से। सो फ्रेंड्स, अब हम इसे बाहर ही रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लेंगे। फिर उसके बाद हम 2 घंटे फ्रिज में रखेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 घंटे के बाद मैंने फ्रिज में से निकाला है इसे और इसको अब हम एक नाइफ़ की मदद से इसके किनारे इस तरह से इस बर्तन से अलग कर लेंगे। अब इसके ऊपर कोई भी प्लेट रख के हम इसे इस तरह से बहुत ही जल्दी इस तरह से उल्टा करेंगे। आपको इमीजिएटली ये करना है। तो अब हम इसे हटाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह, ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है। इतनी अच्छी पुडिंग बनके हमारी तैयार हुई है। फ्रेंड्स, सच में ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप मेरे स्टेप्स फॉलो करके ये पुडिंग घर में ज़रूर बनाना। आई एम श्योर सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे घर में। अब इसे मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर देखिए आप, इसका लुक देखिए। ये पिक्स, ये वीडियो देखकर ही आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अंदर से कितनी अच्छी दिख रही है, अंदर से ऊपर से, ये हर जगह से बहुत ही अच्छी देखने में और खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। ये पुडिंग इतनी सॉफ्ट है कि मुंह में डालते ही ये घुल जाती है। बच्चों को, बड़ों को, सभी को ये पुडिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और अगर आप लोगों को भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ उसके लिए एक लाइक तो कर दीजिए। अपने सब्सक्राइबर्स और अपने व्यूवर्स के लिए ही मैं सारी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ और इसी तरह लेकर आती रहूँगी। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।